नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और मैं भी कहती हूँ ये शादी करवा के रहूंगी। ठीक है तो कर मस्जिद, मैं भी अगर ये घर छोड़कर नहीं चला गया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। तो तुम घर छोड़ने की मुझे धमकी दे रहे हो? अजी सुनते हो क्या? तुम्हारे मुँह में जबान नहीं? अरे हिला तो सही, कुछ बोला तो सही, तुम क्या बोलोगे? मैं ये जबरदस्ती की शादी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे खानदान की नाक कटे या माँ को बुरा लगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अमर ये क्या बदतमीजी है? अपने मतलब के लिए बड़ों का अदब लिहाज सब कुछ भूल गई और माँ को इस तरह झिड़क कर जवाब दिया जाता है। लेकिन भाभी तुम भी तो देखोगे माँ कैसी। देखना देखना नहीं है, पहले तुम जाकर माफी मांगो माँ से। अमर मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ माफी मांगो। ठीक है तुम कहती हो तो मांग लेता हूँ, माफ कर दे माँ। अभी तुम्हारे कहने पे मैंने माफी तो मांग ली, शादी नहीं करूंगा। देखिए आप बुजुर्गों के बीच बोलना या अपनी राय देना है तो बदतमीजी, लेकिन जब घर में आग लग रही हो तो बुझाना सबका फर्ज बन जाता है। मेरी राय थी जब वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? अगर जबरदस्ती ना की जाए तो बेहतर रहेगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती माँ, कि इस शादी के लिए तुम राजी हो, पिताजी राजी है, यहाँ तक कि भैया भी राजी है, मगर भाभी राजी नहीं। हाँ भाई अपने अपने दिल की बात होती है ना, हो सकता है कि भाभी के दिल में कुछ और बात हो। जब कोई तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है तो तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? हाँ क्या तुम मुझे भूल सकती हो? हाँ मैंने तो तुम्हें भुलाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ अमर मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए अपना प्यार नारियल की तरह तोड़ सकती हूँ। मेरे भैया ने मेरी शादी एक बहुत नालायक लड़के के साथ तय कर दी है, जो सिगरेट के कश ले लेकर उनके मुंह पर फूंक रहा था। सिगरेट का कश? हाँ उसने चरस छोड़ने के लिए सिगरेट शुरू की थी और चरस से पहले वो बाल्टी भर भर के शराब पीता था। ये कहानी तो सुनी हुई लगती है। जरूर सुनी होगी, वो तो कोठे पर भी जाता था, परसों मुजरे में गुजार दिए, उनकी कंपनी का दिवाला निकल गया और इनकम टैक्स रेड मार कर सब कुछ ले गई। ए आशा की बच्ची ये कहानी तुमने कहाँ से सुनी? मेरे भैया ने सुनाई। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? श्यामलाल। अरे वो जाड़ा तेरा भाई है, मर गया। अरे सुनो तो। अरे मेरे रुकने से मेरी माँ रुकने वाली नहीं है, कई लोगों ने मेरी शादी कैंसिल कर डाली तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। ए माँ ए भाभी ए रुक जाओ। माँ मुझे माफ कर दे। माँ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। पहले ये तो बता इतना मस्का क्यों लगा रहा है? मुझे शर्म आ रही माँ। बड़ा आया शर्म वाला, कल शादी के लिए इतनी लंबी जबान लेकर मुझसे लड़ रहा था, तब शर्म नहीं आ रही थी? आई ना माँ, तभी तो रात भर सोया नहीं मैं। कितनी गाली दी मैंने अपने आप को मालूम है? मैंने कहा कि अबे नालायक अमर, अरे जिस माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तू उस माँ से जबान लड़ाता? बस सारी रात जमीन पर नाक रगड़ता रहा, देखो ना मेरी नाक भी छिल गई है। माँ ए माँ मुझे तेरा फैसला मंजूर है। कौन सा फैसला? अब वही शादी वाला। मेरा लाडला, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। अरे बेटे सुनती हो? अमर अरे उमा सुना तूने? हाँ माँ पर एक बात समझ में नहीं आई, एक रात में अमर पे किसी ने जादू कर दिया जो अचानक शादी के लिए राजी हो गया। भाई मुझे तो इसमें कोई गहरी चाल लगती है। हाँ अरे चाल गई भाड़ में, मेरी बात मानकर अमर शादी कर रहा है, मेरा मतलब निकल गया, बाकी का हमें क्या लेना देना है। ये क्या अमर, कल तक तो बिल्कुल आग बना हुआ था, आज बर्फ बन गया।
अरे भाभी, जब असलियत का पता चलेगा तो तुम भी चौंक जाओगी। ये जो श्यामलाल जी आए थे ना, वही तो आशा के बड़े भाई है। क्या? हाँ, फिर मैंने खामखा उनको झूठ बोलकर अपनी कंपनी को दिवालिया बताकर उनकी खटिया खड़ी कर डाली। चलो अच्छा हुआ, अपने को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, अपना चक्कर भी चल गया और घर वालों का दिल भी रह गया। ये तो वाकई बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, घर के बड़ों को एक बहू मिल गई और तुम्हें एक दासी, और ये गुलाम तो तुम्हारी खिदमत में पहले ही हाजिर है। जान से मार डालूंगा कुत्ते, छोड़ मुझे, राम सादा कुत्ते कमीने। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं क्या हो रहा है? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, मैं सामने बैठा हूँ, मुझे सवार, अरे भागे मुझे। सब बेईमान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे राम बाबू, आप बहू, तुमसे भी कुछ नहीं कहा उसने? नहीं पिताजी। ताज्जुब है? इसमें ताज्जुब की क्या बात है पिताजी, भैया और भाभी में कुछ खिटपिट हो गई होगी। और ये महारानी, दुनिया आती है इनकी बला से और जाती है इनकी जूती से, इन्हें क्या, बस पड़ी रहती है आराम से। तू अपनी बकवास बंद कर। मालिक, मालिक, राम बाबू कल रात जब बाहर जा रहे थे तो मुझसे कह गए थे कि मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे तो कम्बक तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है मालिक, घर में बहुत काम था ना, भूल गया मालिक। अरे जा। कंपनी के काम से? ऐसा कौन सा काम निकला है? गुड मॉर्निंग। ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। एक होटल के बाहर शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे, शायद लोगों ने बाहर उठाकर फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वहां से मैं गुजर रही थी और तुम्हें यहाँ ले आई। लगता है तुमने जिंदगी में पहली बार शराब पी है, जो अब तक तुम्हारा सर दुख रहा है। एक काम करो, चाय पी लो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। घर? मैं अब उस घर में वापस जाना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा नशा उतरा नहीं अब तक। नशा तो सारी जिंदगी था मुझे, झूठी खुशियों का नशा जो आज उतरा है। वो घर तो मक्कारी और बेईमानी का एक स्टेज है, जहां लोग अपने चेहरे पे धोखेबाजी का मेकअप करके शराफत की अदाकारी करते हुए फरेब देते हैं। मैं ना तो उस घर में कभी जाना चाहता हूं और ना ही किसी की सूरत देखना चाहता हूं। लेकिन ऐसी कैसे जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी की अब परवाह भी किसको है, मेरे लिए तो बस अब एक ही रास्ता बचा है और वो है मौत। ये क्या बेहुदा बात हुई, बिला वजह जान दे दोगे? हाँ तो क्या हुआ, मेरी मौत से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला? लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें। इस वक्त अगर मैंने सहारा ना दिया तो ये कुछ भी कर बैठेंगे। ये तुमने कैसे सोच लिया कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? बहुतों को पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। एक कश्ती अगर टूट जाती है तो आदमी हार के अपने आप को मौजों के हवाले नहीं करता, बल्कि कोशिश करके खुद तिनके के सहारे किनारे पहुंच जाता है। लेकिन अब मेरा कौन सहारा है? मैं हूं तुम्हारा सहारा, मुझे खुशी होगी तुम्हारी खुशियों को देखकर। तुम जब तक चाहो मेरे मेहमान बनकर यहां रह सकते हो, लेकिन कसम खाओ कि भूल कर भी खुदकुशी की बात अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगे। टीपा बेटी। हाँ माँ। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, उन्हें बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर दीपा, आपके कहने के अनुसार शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये रही शो की बाकी टिकटें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप चलता हूँ। ऐसे नहीं, जाने से पहले तुम्हें एक टिकट खरीदना होगा। इस बात की टिकट? जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहाँ अंधे बच्चों के लिए एक वार्ड बनाना है, उसी के लिए डॉक्टर्स ने मेरे डांस का एक चैरिटी शो रखा है, उसी की टिकट बेचनी। तो फिर ये सारी टिकटें मुझे दे दो। सारी? बेच दूंगा।
आज घर जरा जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अच्छा। हर सुहागन रात को चांद देखने के बाद अपने पति की आरती उतारती है और तभी कुछ खा सकती है, और अगर तुम देर से आए मैं तो भूखी रह जाऊंगी। ओहो, फिर तो मुसीबत हो जाएगी। एक काम करते हैं। क्या? मैं काम पे जाता ही नहीं हूँ, तुम दिन भर मुझे गोद में बिठा कर रखना, शाम को मेरी पूजा करना, रात को खाने में मुझे खा जाना। कहीं के कहीं के क्या मतलब, मैं तो यही कहूँ। चलो ऐसे आओ ना, क्या हो गया तुम्हें? ले खा, खाना देख, नखरे मत कर, आज करवा चौथ है, मंदिर जाना है, देर हो रही है। खा। ठीक है। क्या है? हाँ, साथ चलना है क्या? चलो। अरे भगवान, अगर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो किसने कहा था कि करवा चौथ का व्रत रखो? तुम चुप रहो जी, यह भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, एक चांद भी तो नहीं निकलता। रे नाम भगवान का, और व्रत रखना काम नहीं है मामूली इंसान का। मुझे चक्कर आ रहा है बेटी। शर्म तो आती नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मान लो आज चांद नहीं निकला तो फिर कल शाम तक भूखा रहना पड़ेगा ना। गंदी बात मुंह से क्यों निकालते हो? मेरे मुंह से निकालने से क्या चांद थोड़ी निकल आएगा, वो तो जब निकलना निकलता रहेगा। अच्छा बोलो। आ बेटा चांद देखते। चल माँ, चल चांद। हाँ ढूंढो, मिलेगा नहीं। आज के दिन सुहागन व्रत रखती है कि अन्न से भले ही पेट खाली रहे, मगर सिंदूर से मांग कभी खाली न रहे, पति के साए में जिंदा रहे और उसी के गोद में मुस्कुराते हुए इस संसार से चली जाए। आज आज तेरी इस बेटी के सुहाग का रखवाला नहीं आया मां। अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो आज तुम मेरे पति के दर्शन करा के रहेगी, वरना मैं यही तेरे चौकट पर सर पटक पटक के जान दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान होगा, तेरी इस बेटे की आन का अपमान होगा, मतलब तेरा अपमान होगा। मुराद पूरी नहीं होती तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगी। तू जा। मुझे विश्वास था कि दुर्गा मां मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगी और आप मुझे जरूर मिलेंगे। ये लीजिए प्रसाद, इसमें थोड़ा जहर भी मिला दो, बेहतर रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए घर चलें। घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है, और जिसे तुम घर कहती हो वो घर नहीं, नरक है। नरक? ये क्या हो गया आपको? अपने ही घर को नरक कह रहे हैं, जहां हर कोई आपसे प्यार करता है। पता है पिताजी कितने परेशान हैं, और मैंने तो एक पल के लिए भी निगाह नहीं हटाई,
भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु तेरे भगवान को वापस ले आना। ये ढोंग बहुत पुराने हो गए, अब मिट्टी पे सोने का पानी जो तुमने चढ़ा रखा था वो अब उतर चुका है। हटो यहां से। नहीं चलिए, हटो यहां से। चांद दिख गया, दिख गया, दिख गया। आज सुन रहे हो, चांद दिख गया। अरे ओ भगवान, पहलवान चांद देख लिया या ऊपर के मकान का बल्ब देख लिया है? कैसी बातें करते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों का कोई भरोसा है? पिछले साल पहाड़ी से आती हुई मोटरसाइकिल की हेडलाइट देख ली थी तो चांद समझ के अपना तोड़ दिया था। चुप रहो जी। अरे गंगा, जल्दी से पूजा का सामान ले आ। ना भाई। और भाभी जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। ए, तीन बार घुमाते, एक ही बार में काम चला रही हो? अच्छा बाबा, एक दो तीन। आई माँ, जल्दी कर, बड़ी भूख लगी। चल चल। ये तो ऐसा लगता है पूजा करके भगवान पहचान कर रहे हैं लोग। ये क्या करी तू? तूने अभी तक मेरी आरती नहीं उतारी और खाने बैठ गई? मैंने तुम्हारे फोटो की आरती उतार ली तभी आई हूँ खाना खाने। ये मेरा अपमान है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज मैं तुझे जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा और ऐसा मजा चखाऊंगा कि अगले करवा चौथ तक तेरे हाथ फड़फड़ाते सूखे पत्ते की तरह हिलते रहेंगे। चल चल चल। देखो देखो, एक तो मेरी आरती नहीं उतार दी और आप मेरी इज्जत उतार रही है। अरे इज्जत के बच्चे भागे। देखो, अगर आज ये मेरे साथ नहीं आई तो मैं अरे क्या करेगा, दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी? अरे 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 अरे, क्या जुल्म करती हो भगवान, क्या करती हो? तुम्हारा दामाद है, आज करवा चौथ है, कम अज कम आज के दिन तो उसको मान दो, बिठा के एक निवाला खाना तो खिलाओ। तुम चुप रहो जी, मेरा सिर फिरा हुआ है। किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुमसे इज्जत का पाठ नहीं सीखना चाहती। भाभी, भाभी चलो, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, शो देखने जाना है। क्यों आशा है? हाँ। नहीं अमर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे लोग कमाल करती है, अरे इतने प्यार से मैं तीन टिकटें लाया हूँ और तुम कह रही है कि हम दोनों चले जाए? बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। क्यों आशा है? हाँ दीदी चलो ना, बहुत देर हो रही है। देखिए भाभी आप चलती है कि नहीं वरना हम दोनों आपको उठाकर हॉल तक ले जाएंगे। क्यों आशा? आज मुझे मत सताओ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अब भाभी, अब आपके भगवान यहाँ है ही नहीं तो हम लोग क्या करें, वरना हम दोनों आप दोनों को अकेला छोड़ देते। भाभी तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, जिसकी तुम सुबह से लेकर शाम तक पूजा करती हो, अब तुम इनकार कर ही नहीं सकती। मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी निराशा, अब मेरा मतलब की आशा, तुम सुधरोगे नहीं ना? भाभी को तैयार करो। अच्छा तो ये रहे पूरे 50,000 रुपए, तुम्हारे शो के बचे हुए टिकट्स बिक गए। मुझे पता है तुमने अपने जान पहचान वालों को टिकट्स मुफ्त में बांट दिए और ये रुपए अपनी जेब से दे रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने? दिल की खुशी के लिए। अब क्या कहूं, मेरे पास तुम्हारी इन बातों का जवाब ही नहीं है। बहुत मजा आया। कहां से आ रही है महारानियां? अमर और आशा के साथ पिक्चर गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो बिरादरी में तो मुंह मेरा काला होता ना। लोग कहते सास ने बहू का ध्यान ही नहीं रखा, और ये चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? माँ जी, सीता दीदी को हम दोनों जबरदस्ती ले गए थे, ये अपनी मर्जी से नहीं चली थी। इस घर में मेरी मर्जी चलती है, तू इसे जबरदस्ती ले जाने वाली कौन होती है? अरे इसमें ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आप इतना डांट फटकर कर रही हैं? देखा माँ, कल आई है और आज तुझसे जबान लड़ाना शुरू कर दी। क्यों, इस घर में सच बोलने को जबान लड़ाना कहते हैं? अभी अंडे से बाहर निकली नहीं और चूंच मारना शुरू कर दिया। चल माँ जी, किस बात की माफी, कसूर क्या है मेरा? अभी भी बोले जा रही है तेरी ये मजाल, अभी मजा चखाती हूँ। आशा चुप हो जा। माँ जी, दोबारा मुझ पर छड़ी वड़ी मत उठाना, मैं आपकी इज्जत करती हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मुफ्त में गालियां और छड़ियों की मार खाऊं। वही नाम भगवान का। तुम चुप रहो। आज तूने मेरी छड़ी तोड़ी है और मैं तुझे आज ही इस घर से निकालती हूँ। निकल, निकल इस घर से। माँ, इस घर से कोई नहीं जाएगा, इस पर हमारा भी हक है। तू जोरू का गुलाम, बीवी के तलवे चाटने वाला, मुझे धमकी देता है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सारा घर बर्बादी के किनारे पर आ पहुंचा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। मैं तो कहता हूँ कि सारे फसाद की जड़ ये है। अमर, अमर, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? मैं मना करती जा रही हूँ, कोई सुनता नहीं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि माँ को जवाब दे रहे हो और ये आंखें दिखा रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। चलो, माफी मांगो उनसे। मगर भाभी, हमारी गलती क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, माफी मांगो। ठीक है, तुम कह रही हो तो माँ, हमें माफ कर दो। माफी नहीं, तोहफी नहीं। अमर, मैं इस घर को बचाने की दिन रात कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरी कोशिशों को नाकाम क्यों करते रहते हो? मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेरते रहते हो अमर? भाभी, तुम्हारी मेहनत से एक घर नहीं बचने वाला। अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका। जिन्होंने कोशिश करके लगाम हाथ में पकड़नी चाहिए, वो तो 24 घंटा रहे नाम भगवान का, रहे नाम भगवान का लेते रहते। अगर पहले ही शक्ति बरतते और इन लोगों को इतनी छूट नहीं देते, तो ये घर भी इंसानों के रहने लायक हो जाता। कैसे लगे ये फूल? ये सब क्या है राम? तुमने इस अंधेरे दिल में जो दिया जलाया है, उसके बदले में जिंदगी भर तुम्हारे गांव में फूल बिखेरता रहूं तो भी कम है। लेकिन ये सब किस लिए? जन्मदिन मुबारक हो दीपा। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे, तुमने हमें नया जन्म दिया है तो हम क्या तुम्हारा जन्मदिन भूल जाएंगे? हमने कहीं से पता लगा ही लिया। बैठ दे। इतनी सी बात के लिए इतनी कीमती अंगूठी? दीपा, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है। लो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा। और हाँ, तुम शाम को तैयार रहना। क्यों? पार्टी हमारी तरफ से। बेटी, राम की ये हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। संभल के रहना बेटे, तुम चिंता मत करो माँ। दरअसल राम के दिल में गहरी चोट लगी है, अगर मैं इसे सहारा न देती तो शायद ये खुदकुशी कर लेता या शराब पी पी कर अपनी जान दे देता। थोड़ा सा वक्त लगेगा माँ, लेकिन ये मेरे ही इलाज से ठीक होगा। नमस्ते धनराज जी। अरे आइए जमुना दास जी, आइए। सत्यनारायण देव की जय। कैसे आना हुआ? उमा बेटी के लिए लिफाफा लाया हूँ जो उसके पति ने उसके लिए भेजा है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। हो गया? उमा बेटी। क्या बात है पिताजी? तुम्हारा ये लिफाफा आया हुआ है। लिफाफा? क्या वो? अरे रो क्यों रही है? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है पिताजी। अरे नाम बत... ये दूसरी शादी का रिश्ता जरूर आपने लगाया होगा। नहीं, ये प्रेम विवाह है, यानी कि लव मैरिज। हाँ, मैं मदद जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि शादी का पौधा एक जगह पर न जमे तो वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह पर जमाना, ये तो मेरा काम है, नहीं तो मेरे को कमीशन कौन देगा? बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। सत्यनारायण, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे क्या बात है, रो क्यों रही है? ये क्या है? शादी का कार्ड। किसका? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है। लल्लू दूसरी शादी कर रहा है मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके? अरे मैं तो उसका मतलब जला दूंगी, उसके मुंह पर तेजाब डालूंगी। क्या समझ रखा है? चल, आप चलते हो या नहीं? मैं रहे नाम भगवान का। चल जल्दी। हाँ, वो रहे नाम भगवान का। मैं बैठ जाऊं? तुम एक काम करोगे? हाँ, ये कुर्सी अपने घर ले जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गौरम ध्वज। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी अपनी पत्नी होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसी बीबी क्या जो अपने पति की ना हो सके? इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ।
सुन लिया ना, चलो जाओ अब। ऐसा मत कहो जी, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? और तू? उमा, पत्नी तो वो होती है जो पति के सुख दुख में साथ दे, अपने पति के घर को स्वर्ग बनाए। उमा, औरत के काम से ही घर में बरकत आती है। जब वो झाड़ू लगाती है तो आने वाली मुसीबतें झाड़ू के तिनकों से टकरा कर वापस चली जाती है। जब वो चूल्हा जलाती है तो ईश्वर के नजर में वो तपस्या का चिराग माना जाता है और ईश्वर उसी घर में सुख की रोशनी बिखेरते हैं। जब वो कपड़े धोती हैं तो उन कपड़ों के साथ साथ उसकी तकदीर का मैल भी धुलकर साफ हो जाता है। औरत कहने को तो घर का काम करती है लेकिन असलियत में वो अपना धर्म निभाती है, अपने हाथों से अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर संवारती है। और एक तू है, तू जो अपना घर, अपना पति छोड़कर अपनी माँ की गोद में पड़ी है। ठीक है ठीक है, मैं तुझे देख लूंगी। चल बेटी। नहीं माँ, तुम जाओ। क्या मतलब? मैं इनके साथ अपने घर जाऊंगी। लगता है यहाँ आकर तू पागल हो गई है। यहाँ आकर ही तो मुझे अकल आई है। अगर झूठी अकड़ में घर बैठी रहती तो ये दूसरी शादी कर लेते। तो फिर जा जहन्नम में, मर भिखारी के साथ। तुम एक काम करो, तुम आगे निकल जाओ। मैं इन लोगों को समझा के आता हूँ, नहीं तो ये बाद में गड़बड़ करेंगे। जाओ, जाओ। अच्छा। ये लेना और ये अपने नाटक कंपनी में बांट देना। हाँ। और उनको कहना घर जाके सो जाओ। हाँ, सबको सुला देता हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। हेलो पिताजी, मैं लल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। क्या आइडिया बताया था आपने, तीर बिल्कुल निशाने पे जाके बैठा। अच्छा, और उमा? उमा मेरे साथ आ गई। क्या बात करता है? और शांता? माँ जी जख्मी शेरनी की तरह छाती पकड़ के रह गई। रहे नाम भगवान का। वाकई रहे नाम भगवान का। अच्छा सुन, वो कांटे वाली शेरनी आ रही, फोन रख दे। आओ कांटा ने शांता। ये तुम्हारी आंख में मगरमच्छ के आंसू? क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं आंसू। आंसू नहीं तो क्या, कीचड़ होगा। मेरी लाडली बेटी अपने ससुराल चले गए। अरे रे रे रे, मतलब शैतानों की टीम आधी हो गई है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको। काफी दिन गुजार लिए उसने इस घर में। अगर पहले चली गई होती तब तक दो बच्चों की माँ बन चुकी होती। कैसे उल्टी सीधी बातें करते हो जी? अब मेरा क्या होगा, मेरे देखभाल कौन करेगा? आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो। इस घर में तीन तीन बहुएं हैं और जिसकी तीन बहुएं होती हैं वो आधी दुनिया की मालकिन होती है। अभी रोना धोना बंद करो, चेहरे का डिजाइन ठीक करो, रोते वक्त ज्यादा भयानक लगती हो। चलो 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 चलो, चलो आंसू पोछो। चलो चलो, इतने सारे आंसू निकल कहां से रहे? आंखों में नल लगा हुआ है क्या? चलो 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 चलो, मेरे लिए एक कप चाय ला। सुनिए। अरे ये हार तो जाना पहचान लगता है। हाँ याद आया, ये सीता भाभी का है ना? हाँ, तुम्हारे पास कैसे है ये हार? उन्होंने ही मुझे तोहफे के तौर पे दिया है। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खोल लीजिए और एक छोटा सा घर ले लीजिए। आओ बैठो। देखो माँ, पहली बात तो ये है कि ये हार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही, हम मकान भी नहीं खरीद सकते। दूसरी बात यह है कि किसी का दिया हुआ तोहफा भगवान के प्रसाद के बराबर होता है और प्रसाद को इंसान बेचा नहीं करते, है ना? तीसरी बात तो तुम जानती हो कि मैं एक ईमानदार और गैरतमंद आदमी हूं ना? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी, यह हार तुम ही पहना करो, इससे पति खुश होता है और पत्नी भी खूबसूरत लगती है। अरे कांता कांता, यार दादी माँ को देख, किसी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाई बैठी है। जब से उमा बुआ क्या चली गई, इनकी कपाले की तीन मुंह टूट गई। अच्छा कांता, दादी माँ सुबह सुबह कैसे चिल्लाती है, जा बता तो। बताऊं? हाँ बता। बड़ी बहू, अरे यार छोटी बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और इन हराबखोरों ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। दादी,
बच्चों के पीछे इस तरह हाथ धोके पड़ी हुई है। ये बच्चे हैं या शैतान के पिल्ले हैं जिनको तूने जन्म दिया है? ये हरामखोर मेरा मजाक उड़ाते, मेरी नकल करते, इन दोनों को तूने ही सिखाया है। नहीं माँ जी, बच्चे मासूम होते हैं, उनको कोई क्या सिखाएगा। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब इन बच्चों को मेरे खिलाफ सिखा सिखा कर मुझे टीवी लगाना चाहती है, मुझे मार डालना चाहती है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए, हर बात की एक हद होती है। सुबह शाम आपके ये ताने सुन सुन कर जहर का घोट पीकर जी रही हूँ, सिर्फ इन बच्चों की खातिर, वरना कब की खुदकुशी करके मर गई होती। अरे तू क्या खुदकुशी करेगी, हजारों को मार कर मरने वाले ढे। इससे पहले कि तू अपने जहर से मुझे डस ले, निकल जाए इस घर से। मुझे नहीं चाहिए तू आज तेरे ये नालायक बच्चे। क्या करती हो भगवान, बच्चों को घर से बाहर निकाल रही हो? तुम बीच में मत बोलो जी, आज इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर, मौत भी नहीं आती मुझको, मेरा रे नाम भगवान का। ठीक है माँ जी, आज आपकी ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, हम चले जाते हैं। नहीं गंगा दीदी, ये क्या कर रही हो, पागल हो गए हो? इन मासूमों को ले जाकर कहाँ पालोगे? फुटपाथ पे। नहीं माँ जी, फुटपाथ पर नहीं, ये लोग इसी हवेली में रहेंगे क्योंकि ये इस घर के सदस्य हैं। हाँ, इनका भी इस घर पर, इस जायदाद पर औरों की तरह पूरा हक है, और ये हक इन मासूमों को मिलना ही चाहिए। ओहो, आज घूंघट में रहने वाली सीता की मुंह में जबान आ गई, हक की बात करने लगी। चल चल, तू भी निकल इस घर से। माँ जी। अमर, अंदर मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? माँ जी, बड़ी दीदी छोटी दीदी सबको घर से निकाल रही है। और पिताजी क्या कर रहे हैं? वो बेचारे मजबूर होकर टहल रहे हैं। हाय डैड। बेशरम बेहया, तेरी इतनी हिम्मत है सिगरेट पी के बाप के मुंह पे फूंक रहा है? अभी आपने हिम्मत देखी कहां है बाबूजी, अभी तो हर रोज मैं आपके सामने बैठकर शराब पीऊंगा, दुनिया भर के जुआरियों को घर में लाकर हर रोज जुआ खेलूंगा, इस घर को गिरवी रखवा दूंगा, और जब भी कभी तबीयत घबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर अपना दिल बहलाऊंगा। वाह बाबूजी वाह, क्या मिलिट्री वाला हाथ मारा है, इसे कहां छुपा रखा था, इसी की तो जरूरत है। आज आज पहली बार आपने इस घर में हाथ उठाया है, इसे उठाए रहने दीजिए। यह आज तक नीचे था, इसीलिए इस घर की बुनियादों में अशांति की दिमक लग गई थी। इसे उठाइए और जोर से घुमाइए, और इस घर की उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा लीजिए बाबूजी, फिर से बसा लीजिए। आज आज एक सोया हुआ शेर जागा है, इसे जागा ही रहने दीजिए। ये लीजिए अपनी मशीन गन, और भून के अटालिए इस घर की शांति को। हाँ बाबूजी लीजिए, और भून के अटालिए इस घर की शांति को, भून के अटालिए। आज मेरे तूने मेरे मन में सोए हुए धनराज को जगाया है, धनराज के अंदर सोए हुए मर्द को जगाया है, अब नहीं सोएगा वो, रे नाम भगवान का। कोई नहीं रहेगा इस घर में, चलो निकलो यहाँ से। आप कोई नहीं जाएगा यहाँ से बाहर, तुम अंदर जाओ। इनमें से कोई भी अंदर जाएगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। शांता, मैं कहती हूँ तुम चुप रहो, और मैं कहता हूँ तुम अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, ये अंदर नहीं बाहर जाएंगे, निकलो। शांता, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ अंदर जाओ। अगर तुमने भी जिद की तो मैं तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगी। तो मेरी हालत खराब करेगी तो फिर रहे नाम भगवान का। तुम मेरी हालत खराब करेगी, नाम भगवान का। मेरी हालत खराब करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए भगवान के लिए, मुझे माफ कीजिए। माफ कर दूं? मैंने इस घर की नैया चलाने के लिए तुम्हारे हाथों में दी, तुमने उस नैया को तूफान के मझधारों में पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें देवी समझकर इस घर का सुकून लाकर तुम्हारे चरणों में रखा, और तुमने महाकाली बनकर अपनी बहू बेटी की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। लानत हो तुम पर। बोलो और बोलो, और गालियां तो
अपनी बहू के सामने, अपने बच्चों के सामने, ताकि वो भी तुम्हारी तरह मुझे झंडे मारने शुरू। चुप, बकवास बंद। इंसान की इज्जत और जिल्लत उसके अपने करतूतों से होती है। जुल्म की लाठी से अगर दुनिया का सर झुकाने की कोशिश करोगी तो खुद का सर टूटकर अपने कदमों में गिर जाएगा। जाओ अंदर, जाओ वरना लाठी मार मार के सारा जिस्म नीला कर दूंगा। जा, जाती हो ना मारूंगा भी। और तुम सीता, तुम पढ़ी लिखी हो ना, समझदार हो, इस घर के माहौल को समझती हो ना, तुम ही घर छोड़ के जा रही थी। चलो बस, रोना धोना बंद। ऐसी हालत में बच्चियां रोया नहीं करती, वरना होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलो जाओ पर, और जब तक हम ना कहें नीचे नहीं आना। जाओ पर, जाओ पर। और गंगा, तुम आज ही चार नौकर और एक बावर्ची का इंतजाम करो। जी मैं। ये हमारा हुक्म है, जाओ। और ये क्या, मेरी बहू पोटली लेकर जा रही थी। जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर। नहीं, आज से रोना धोना बंद। अरे इधर, तुमको बड़ों के मुंह लगना किसने सिखाया? भला इसने? अच्छी बात है, अभी तो तुम काम पे जाओ, मैं शाम को तुम्हारी खबर लूंगा। ठीक है ठीक है, चलो। यार आप, तुम सास की लकड़ी तोड़ती हो, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूंगा। चलो 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 अंदर जाओ, चलो। अरे वाह दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सुबह के नाश्ते में क्या खाया था आपने? ए, तुम लोगों की भी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। चलो चलो अंदर जाओ, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। चलो आप, चलो नहीं तो मारूंगा। चलो आप। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी जरा सी हिम्मत ने इस घर की डूबती हुई नैया को बचा लिया। तेरे नाम भगवान का, मुंह काला हुआ शैतान का। क्या हुआ पिताजी? सीता दीदी को लड़का हुआ है। लड़का? अरे पीती रे बेटी। शांता, शांता, अरे शांता, 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 सीता के लड़का हुआ है। तो मैं क्या करूं? क्या क्या कर अकेले खुशियां मनाओ? अरे भगवान, इतनी खुशी का मौका है, गुस्सा धूप दे और बाहर आ जा, आ जा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, ये मेरी समाधि है। तुम क्या समझती हो, मुर्गा आजान नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? जिद्दी नीम चढ़े करे लिखे औलाद, तो फिर मारो। दादाजी, दो दिन से कुछ नहीं खाया माँ जी ने। इसने दो साल भूखा मारने दो उसको। नहीं बाबूजी, नहीं दादाजी, प्लीज दादी को खिलाओ ना। दीपा, याद है तुमने एक दिन कहा था मेरे जीने से तुम्हें खुशी होगी? तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समझा, मैं शादीशुदा हूं इसलिए शायद तुम झिझक रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। राम? हाँ दीपा, अब बिना सहारे के मुझसे जिया नहीं जाता, अगर तुमने इनकार कर दिया तो जिंदगी बेमकसद हो जाएगी। मैं वाकई खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। लेकिन राम, मैं भी तो औरत हूं ना, सोचने के लिए, जिंदगी के फैसले करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अरे दीपा जी, आप बैठिए, क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूं कि आज के मॉडर्न जमाने में पति को भगवान की तरह पूजा जा रहा है। जमाना कैसा भी हो दीपा जी, मगर हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार हमेशा अपने पति को भगवान का ही दर्जा देती है। मगर पति अपनी पत्नी को देवी का दर्जा नहीं देता, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। सीता जी, आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भर आया। दरअसल मैं आपको कुछ बताने आई हूं, जरा दिल थाम कर सुनिएगा।
ये आप अपने पति को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं। आज आपके इसी पति ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। आप सचमुच देवी हैं। इस मंदिर में राम की जगह आपकी मूर्ति होनी चाहिए थी। आज आप जैसी देवियों की वजह से हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर है। मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, तुम महान हो। नमस्कार शिव जी। नमस्ते जी। क्या वो मेरा हीरों का हार तैयार है? जी हाँ, तैयार है। मगर मगर बैंक से आपका चेक वापस आ गया। बैंक से चेक वापस आ गया? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। तो आपने पैसे दे दिए उसको? लेकिन फोन उठाइए पहले आप। यस सर। हेलो जी। हाँ, एक मिनट सर। राम बाबू पूछ रहे हैं कि चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों किया गया। मुझे दीजिए। दीजिए। चेक का स्टॉप पेमेंट मेरे हुक्म से किया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। ओ। एक पैसा मत देना इसको। यस सर। आप? मैं जानती थी आप जरूर लौटाएंगे। ज्यादा खुशी का ढोंग करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। वो हीरों का हार का जो मैंने तुम्हें दिया था। हार? हाँ, मैं अभी लाई। ये लीजिए। ये तो खाली, इसके अंदर का हार कहाँ है? मैंने तो इसी में रखा था। तो वो हार गया कहाँ? क्या ये बॉक्स उसे खा गया? ये क्यों नहीं कहती कि तुमने अपने चाहने वाले को दे दिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे मार डाली, अपने हाथों से जहर दे दीजिए। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा गंदा इल्जाम कभी मेरे दामन पर मत लगाइए। तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो? हाँ। तो फिर इस तलाकनामे पे दस्तखत करो। मैं आपकी हर आज्ञा के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तलाक से पहले मुझे ये तो बताइए, मेरा कसूर क्या है? कसूर? एक सीधे सादे शरीफ आदमी की आंखों में धूल झोंक कर पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है? अरे, अगर अपनी इज्जत के साथ अपना जमीर नहीं बेचा है तो अपने जमीर के गिरेबान में झांक कर पूछ अपने आप से कि तूने क्या पाप किया है। मेरा जमीर, मेरा दिल मेरे भगवान की तरह पवित्र है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या पाप किया है। ये वो राम ही नहीं रहा जो अपनी सीता की अग्नि परीक्षा ले सके। और ये किसी पे क्या इल्जाम लगाएगा? ये तो खुद मुजरिम है। अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की इश्क का भूत सवार है इस पर। भूत तो आपके सर पर सवार है श्री धनराज। ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस वक्त पिता से नहीं, अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ। कौन पार्टनर? न तुम मेरे पार्टनर हो और न तुम्हारा उस कंपनी में कोई अधिकार है। आप शायद भूल रहे हैं कि कानूनी तौर पर मैं इस कंपनी का एक पार्टनर हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कंपनी तो एक तरफ, इस हवेली को भी नीलाम करवा सकता हूँ। जिस बाप की उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, आज उसी बाप की कंपनियों से घर को नीलाम करने की धमकी दे रहा है तू? इतना सियाना हो गया तू? वाह, एक बाप के लिए से बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है कि उसकी औलाद इतनी सियानी हो गई है। मुबारक हो बेटे, मुबारक। छोड़िया फजूल की बात। आपको क्या हो गया है? आपके दिल में इस घर के खिलाफ किसने जहर भर दिया? बताइए, बताइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बताइए ना। अरे नालायक, मेरी देवी जैसी बहू को तूने कुलचा कहा? इससे तो अच्छा था तेरे पैदा होते तेरे गले घूमते। हाँ हाँ, तुम लोग और चाहते ही क्या हो? तुम सब लोग मेरी मौत चाहते हो। इस पाप की बस्ती में रहने वाला हर इंसान मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मगर मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा और ऐश से जीऊंगा। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। रुक जा बेटा, एक बात मेरी सुन ले बेटा, ऐसे मत जा। एक बार अपने इस बूढ़े बाप को मर जाने दे, उसकी अर्थी को कांधा दे दे, उस
उसकी चिता में आग लगा दे, उसके बाद जो जी मैं करना बेटा, जो जी मैं करना। राम, इतने दिनों के बाद आए हो, अपने बच्चे का मुंह तो देख लो। मैं और इस पाप की गठरी का मुंह देखूं? इसका मुंह उसी को दिखाओ जो इसका पाप है। भाभी, क्या बात है भाभी, तुम रो क्यों रही हो? अमर, राम आया था, उसने सीता पर हीरों के हार का चोरी का इल्जाम लगाया और जाते जाते ये भी कह गया कि बच्चा उसका नहीं है, उसका बाप कोई और है। लीजिए। अच्छा है हार? बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताओ, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो मैंने बताया था ना कि भाभी ने मुझे ये हार। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? हाँ, मैं दूसरे का सुहाग उजाड़कर, उस सुहाग के खून को सिंदूर बनाकर अपनी मांग में नहीं लगा सकती। बंद करो ये बकवास, मैं ऐसी झूठी दलीलों से बहुत धोखे खा चुका हूँ। तुमने धोखे नहीं खाए, बल्कि तुम्हारी आंखों ने तुम्हें खुद धोखा दिया है। तुमने जिस अमृत को जहर समझकर ठुकरा दिया, वो सीता भाभी अमृत है, वो सीता भाभी हजार देवियों से महान है। मैंने तुमसे प्यार किया और अब सीता तुम्हारी भाभी हो गई है? ये तुमसे किसने कहा कि प्यार सिर्फ इश्क करने वालों के दरमियान होता है? क्या भाई बहन का प्यार नहीं होता? दोस्त दोस्त में प्यार नहीं होता? माँ बाप अपनी औलाद से प्यार नहीं करते? चाहता तुम्हारा गला घोट के तुम्हें जान से मार डालूं, अगर नहीं कितनी औरतों का गला घोटूंगा मैं। आज विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि औरत जात बेवफाई का दूसरा नाम है। तू यहां क्या लेने आया? मैं तुम्हें लेने आया हूं भैया। मेरा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन सीता भाभी से तो है। आपके बगैर वो अपनी जान दे देंगी। देती है तो देने दे। भैया ऐसा मत कीजिए, घर चलिए, मेरा कोई घरवार नहीं है। भैया अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। क्या तो मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा। भैया चाहूं तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तो चोट भाभी को लगेगी। अरे तू क्या मारेगा बुजदिल, तू तो आस्तीन का सांप है सांप। और फिर मैं वहां क्या तेरा उस कुल्टा के साथ प्यार का नाटक देखने जाऊंगा? भैया लक्ष्मण जैसे भाई पर हाथ उठा रहा है तू? ये लक्ष्मण नहीं पिताजी, दुश्मन है, दुश्मन, इज्जत का दुश्मन, माँ बहन की आबरू का दुश्मन। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी, ये वो जलील भाई है जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो रिश्ते में इसकी बड़ी भाभी लगती है और धर्म के अनुसार इसकी माँ समान होती है, इस जमीर फरोश ने उसके साथ नाजायज रिश्ते पैदा कर लिए। जान ले लीजिए मेरी, मगर आपने जो घृणा इल्जाम लगाया है वो साबित करके दिखाना होगा। अब क्या साबित करूं, तेरे साथ वो पापन भी बराबर की शरीक है, तेरे प्यार में आकर मेरा लाया हुआ हीरो का हार तुझे तोहफे में दे दिया। एक एक मिनट राम भैया, जुर्म किसी और ने किया है और आप पाप का नाम लेकर किसी और बेगुनाह को गुनेगार ठहरा रहे हैं। इस सारे फसाद की जड़ आपकी ये बहन है, ये चोटी है। जो हार आपने सीता भाभी को दिया था वो सीता भाभी ने अमर भैया को नहीं दिया था, वो हार बल्कि इसने चुराया था ना।
ये लीजिए, ये है ना वो। अब तो यकीन आ गया। सिर्फ हार मिल जाने से उसकी पवित्रता साबित नहीं हो जाती पिताजी, मेरे पास उसके पाप के बहुत से सबूत हैं। और हमारे पास हर सबूत के तोड़ है भैया। बता दें इनको, राम भैया के दिमाग में सीता भाभी के खिलाफ शक का बीज कैसे बोया था? अमर हमेशा भाभी को आशा की प्यार की बातें सुनाया करता था। उस दिन भी वो वही कह रहा था, लेकिन भाभी सुनना नहीं चाह रही थी। इतने में राम भैया आ गए। मैंने फिर भाभी के खिलाफ बोलकर भैया के दिल का शक और भी गहरा कर दिया। अब तो विश्वास हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी और की कही सुनी बातों पर शक करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खुद अमर को सीता से फोन पर बातें करते हुए सुना है। क्या सुना, क्या सुना था? लेकिन अमर सीता को फोन पर कसम देकर बाग में आने के लिए कह रहा था, और फिर मैंने इन दोनों को बाग में खिलखिलाते बातें करते हुए अपनी आंखों से देखा है। भैया आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन अमर भाभी को गार्डन में इसलिए बुला रहा था ताकि वो उन्हें मुझसे मिला सके। अमर ने मुझसे कहा था कि भाभी उनकी माँ जैसी है, और जब तक वो मुझे पसंद नहीं कर लेती मैं इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। तो फिर शादी के दिन मैंने सीता को अमर की गोद में देखा, वो क्या था? वो धोखा था। आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा था, दूसरा नहीं, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में मैं भी उनके सामने मौजूद था। झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम वहां नहीं थे। ये रहा उसका सबूत। देखा, जब अमर अपनी भाभी को गोद में उठाया था तब मैं वहीं मौजूद था और उनकी तस्वीर उतार रहा था। अमर अपनी भाभी को इसलिए उठा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और नीचे नहीं जाना चाहती थी, और ये बच्चे की तरह अपनी भाभी माँ को गोद में उठा के नीचे ले जाने की जिद कर रहा था मेरे सामने। अब आया कुछ दिमागे शरीफ में? हाँ बेटे, इस चांडालने की बातों में आकर तूने माँ बेटी के रिश्ते का अपमान किया है। अरे चांडालनी, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? सुन लिया, अरे सुन लिया, तूने एक देवी की पवित्रता को गाली दी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। सीता, सीता। करीब बैठे हैं भाभी, आके खोलो।
तो मैं तुम्हारे इस बेटे की कसम, आंखें खोलो, तो मैं तुम्हारे इस बेटे की कसम भाभी, आंखें खोलो, आंखें खोलो भाभी, आंखें खोलो। सीता, सीता ये तुम क्या करने जा रही थी? गुनहगार तो मैं हूं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए सीता, मैं मुझे माफ कर दो सीता। मत करो ऐसी बातें, ये आंसू बहुत कीमती है, इसके एक कतरे के लिए सीता अपनी जान भी दे सकती है। राम, पिताजी आपने मुझे राम का नाम तो दिया, लेकिन मैं शक के आग में जलकर राम के नाम की इज्जत न रख सका। ना बेटा, ना, ना। मैंने सीता की पवित्रता पर शक किया और लक्ष्मण जैसे भाई के रिश्ते को गाली दी, मुझे माफ कर। नहीं भैया, नहीं, ये क्या कर रहे हो? बड़ा भाई शक करे, गलती करे, मारे, कुछ भी करे, मगर पांव छूने का हक सिर्फ छोटे भाई का होता है, और आप मुझसे मेरा यह हक मत छीनना। अरे नहीं अमर, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। बेटी एक बात कहूं, मैंने सारी जिंदगी जो गलती की वही गलती तूने भी की। मैंने अपनी पत्नी को उसकी औकात से ज्यादा छूट दे दी थी और तूने अपने पति की भगवान से ज्यादा पूजा कर डाली थी, यही हम दोनों की गलती थी। जिंदगी रेलगाड़ी की तरह होती है बेटी, जिसमें मर्द इंजन की तरह होता है और औरत ड्राइवर की तरह होती है। अब अगर ड्राइवर इंजन को उसकी मनमानी करने दे या इंजन खुद की मनमानी शुरू कर दे तो जिंदगी जाकर एक्सीडेंट के खड्डे में गिर जाएगी। इसलिए प्यार से सही मगर एक दूसरे की लगाम थाम के रखनी चाहिए और तब आराम से बिना झटके खाए हुए जिंदगी गाड़ी खुशियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। और यही है घर घर की कहानी, बाकी रहे नाम भगवान का और मुंह काला हो। मैं क्यों बोलूं? सभी बोले। ये पहली मरतबा तुमने अकल की बात। छोड़ो जी। मुंह काला हो शर्ता।